हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जस्मी, मेरे चैनल से बहुत बहुत स्वागत आप सबको। जय माता की। आज सोच रहे थे आप लोगों के साथ कुछ अच्छा स्पेशल रेसिपी शेयर करें, तो मैं बना रही हूँ चिकन का कोफ्ता। तो मैं शेयर करूँगी, आप लोग भी जरूर देखें और बना के खाइए। बहुत टेस्टी होता है चिकन का कोफ्ता। तो हमारे कैमरा मैन भी यहाँ दिखाइए, देखिए कोफ्ता बन भी रही है। किचन थोड़ा सा गंदा है हमारा, क्योंकि टाइम नहीं मिलते हम लोगों को साफ सफाई करने में। आज रात चमके दुकान में और अभी कुछ देर में हो जाएगा। आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है चिकन का कोफ्ता। देखिए एवरीवन, मैं यहाँ पे बादाम ले लिया हूँ और यहाँ पे पेस्ट बना लिया हूँ और यहाँ पे ब्रेड सेक लिया हूँ अच्छे से क्रंच करने के लिए। और देखिए हमारी तामीम कर रहे हैं यहाँ पे, प्याज अच्छे से भून लिया हूँ मैं और मिक्सी पे ग्राइंड कर लूँगी। और उसके बाद टमाटर की ग्राइंड कर लूँगी, उसके बाद चिकन ऐड करूँगी। चिकन के साथ प्याज और मिर्चा, हरा मिर्चा, उसके बाद अदरक लहसुन ये सब मिला के, और थोड़ा सा दही अपने हिसाब से जो इतना आप लोग खास खाने को चाहो इतना तक। उसके बाद सबको एक साथ मिक्सी में पीस देना है और उसके बाद निकल के कांचिंग में, उसमें जो ब्रेड का कांच बनाया उसमें डाल देना है। उसके बाद गोल मैरिज, नमक, अंडा और चिली पाउडर जो कुटा हुआ उसको ऐड करना है। उसके बाद धनिया, उसके बाद उसको अच्छा से मिक्स करना है। तब इसको जितना अच्छे से मिक्स करेंगे इतना अच्छा टेस्ट आएगा कोफ्ते में। और देखिए अच्छा से इसको मिक्स हो चुका है। और यहाँ पे मैं कढ़ाई ले लिया हूँ, कढ़ाई में अच्छे से सरसों का तेल गरम कर ली हूँ और यहाँ पे प्यार से गोले बना रही हूँ मैं। आप देखिए एकदम प्यार से, बहुत लेट हो गया था मेरा तो जल्दी जल्दी में, एकदम तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और रात भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए जल्दी जल्दी में बना रहे थे। कोई बड़ा कोई छोटा हो रहा था, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा और हमारी गलतियां मत देखिएगा। और देखिए जल्दी जल्दी मैं फ्राई कर रही हूँ और बहुत टेस्टी हुआ था बनाने के बाद। आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए कबाब कैसे होते हैं, देखिएगा बना के, बहुत टेस्टी होता है। ये मटन का भी अच्छा लगता है, चिकन का भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को तो कुछ भी अच्छा लग जाता है। और थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो गया मेरा, आप लोग हल्का फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ कढ़ाई गर्म हो गया है मेरा कोफ्ते फ्राई होने के बाद। उसके बाद तेज़पत्ता, गरम मसाला, इलायची ये सब ऐड किया हूँ मैं अच्छे से। देखिए अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद अदरक लहसुन की पेस्ट डालना है। उसके बाद अच्छे से भून लेना है इसको, जब तक उसकी अच्छा फ्लेवर ना आए तब तक। देखिए बादामी कलर हो गया है। उसके बाद वो जो भुना हुआ प्याज था मैंने जो मिक्सी पे मीन किया था उसको ऐड कर दिया, अभी उसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें पिसा हुआ टमाटर ऐड करूँगी। देखिए थोड़ा सा पानी भी दे दिया हूँ मैं इसके साथ। और उसके बाद जो घर पे आप लोग मसाला खाते हैं वही ऐड कीजिए, चिकन मसाला भी दे सकते हैं आप, मीट मसाला भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चिली पाउडर और येलो पाउडर और थोड़ा सा मीट मसाला दिया मैंने, और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक तो पीसते समय भी दिया जाता है लेकिन मैं अभी ही दे रही हूँ, ज़्यादा वहाँ पे हो जाएगा बल्कि मैं नहीं दी। और देखिए बहुत अच्छे से ये पेस्ट कर रही हूँ। और जब तक मसाला भुनना होता है थोड़ा सा हल्का सा पानी दे के इसको कुछ देर तक ढक्कन लगा देना है, और इसको थोड़ा सा उसकी जब तक ऑयल ना आए तब तक इसको ढक्कन लगा के उबालने देना है। और देखिए अभी ढक्कन लग जाएगा और कुछ टाइम के लिए उबलेंगे इसको। देखिए अच्छा से उबल गया है, तेल भी अलग सा हो गया है। तो इसमें मैं जो बादाम पिसा हुआ था उसको ऐड कर दी हूँ। देखिए अच्छा से टेस्टी लगेगा, वो बादाम जो होता है ना वो देने से बहुत अलग ही टेस्ट आता है। तो इसको भी और थोड़ा सा टाइम उबालने देती हूँ मैं, 10 से 15 मिनट उसको ढक्कन लगा के मैं उबालने दिया हूँ। उसके बाद कोफ्ते को ऐड कर दिया हूँ। देखिए अच्छा से ज़्यादा फ्राई हो गया मेरा कोफ्ता, और कम फ्राई होना चाहिए था क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया था मेरा, बहुत जल्दी जल्दी में की थी इसीलिए। तो
तो एवरीवन मैं ले लिया हूँ खाना खाने के लिए, सबको ही खा लिए और मैं और आई बची हुई हूँ। तो लेट भी हो गया शॉप से आके और ये वो बनाऊंगी, मुझे लेट हो गया नहीं बना सकी। तो चिकन का कोफ्ता बनाई हूँ, शेयर करूँगी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा घर पे जो हो सका मैंने से किया हूँ। और अभी रात का 12:30 होने को है, ऊपर में लाइट नहीं है, इन्वर्टर में दिखता नहीं है ठीक से, और थोड़ा जल्दी जल्दी में हम लोग बनाएँ और अभी खा पी के सो जाएंगे, फिर से 5 बजे जाके हम लोग को भाग दौड़ करके जा रहे हैं घास पानी बाजार कर जा रहे हैं। तो हमारे कोफ्ता का सब्जी, कोफ्ता बनाई जो, और ट्राई करके देखिए और